हेलो, कैसे हैं सब लोग? आदाब, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग सब बहुत मजे में होंगे। वीकेंड शुरू होने वाला है, फ्राइडे है, नमाज हमारी खत्म हो गई है और अब खाने की तैयारी हो रही है। मैं जा रहा हूँ, देखते हैं कि खाना बनाया क्या है। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि बच्चों ने अपने रूम का क्या हशर किया है। ये लोग अभी अभी हॉलीडे से आए हैं और उनका बेड देख लीजिए, सारा सामान बिस्तरे पर ऐसे ही फेंका हुआ है। और वो ही नहीं, सब इधर उधर जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ टंगा दिया है। ये देखिए, ऐसा सामान उन्होंने पूरा बेड के ऊपर फेंका हुआ है और अभी तक इसको सही जगह पर रखा नहीं गया। बट देन ऐसे ही हैं ये बच्चे, अब इनको क्या बताएं कि क्या करें क्या ना करें। आई थिंक ये सारा सामान लगाने के लिए मुझे कम से कम एक हफ्ता और लग जाएगा ताकि सारा सामान एक जगह सेटल कर सकूं। देखते हैं खाना क्या। और खाना रेडी हो गया है, बहुत बढ़िया। मेरी पसंद की सब्जी है, दाल है, गुआवा है, वाव आई लव इट, एंड सम सैलड्स, फ्रूट्स हैं जो खाने के बाद खाए जाएंगे। और अयान एज यूजुअल बस लेटे हुए टीवी देख रहा है। ये क्या देखते रहते हैं पता नहीं। आयान भी देख रहा है, शबनम भी देख रही है। चलो भाई खाना वाना खा ले। चलो 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 आयान, भूख लग रही है यार। कहाँ जा रहे हो? ट्यूशन जाना है। मैं अपना जो फिटनेस रूटीन है, अपना जो जिम है, उसको मॉर्निंग्स में करता हूँ। लेकिन अभी शादी से आने के बाद से थोड़ा मेरा सिस्टम और रूटीन अभी मैं ठीक से कर नहीं पाया हूँ। तो आई थिंक मंडे से मैं आई विल स्टार्ट माय रेगुलर रूटीन, जहाँ पे मैं दोपहर को अराउंड 10:30-11 o'clock तक जिम जाता हूँ या सुबह जाता हूँ। तो आज मैंने कहा रूटीन शुरू किया जाए। सो आई एम गोइंग टू दिस माई फेवरेट प्लेस, लोखंडवाला के पीछे एक वॉकिंग एरिया है, ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छी जगह है। तो मैं यहाँ पर आके शाम को कार्डियो करता हूँ, काफ़ी एक्सरसाइज करता हूँ। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या जगह है। गाइस, दिस इज़ अ प्लेस वेयर आई जॉग। ये लोखंडवाला के पीछे एक जॉगिंग ट्रैक है और पूरा एरिया जो है ये नियरली 1 किलोमीटर का है। अगर आप पूरा सर्कल लगाते हो तो 1 किलोमीटर होता है। ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छा क्राउड आता है और काफ़ी सारे पेड़ है यहाँ पे। तो आप अगर 4:30 भी यहाँ पर आ रहे हो तो काफ़ी शेड होती है, छाया होती है और बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी वाइब्स हैं इसके। यहाँ पे मैं कई सालों से आके अपनी कार्डियो एक्सरसाइज कर रहा हूँ और बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं, काफ़ी सारे एक्टर्स यहाँ पर आते हैं, बहुत पॉपुलर जगह है। सो दिस इज़ अ प्लेस, जॉगिंग ट्रैक है ये लोखंडवाला के पीछे। तो यहाँ मैं आज अपना कार्डियो करूँगा। हेलो, और हम लोग सब निकले हैं मिड नाइट ड्राइव के लिए। वीकेंड है, कल सैटरडे है, फिर संडे है और आज जोया आयान की छुट्टी। क्या करोगे बाबा कल के दिन, क्या प्लान है? सोना है बहुत। आयान मेरा तो कल ट्यूशन है। तो ट्यूशन तो थोड़ी देर की होगी ना, उसके बाद क्या करोगे? कुछ खेलने जाएंगे। एग्जाम्स ने मुझे सोने नहीं दिया तो मैं कल पूरी नींद। अच्छा, ओके। तो हम लोग ऐसे ड्राइव के लिए निकले हैं, हम लोग ऐसे वीकेंड्स पे अगले दिन जब छुट्टी होती है सबकी ना, ऐसे निकल जाना चाहिए। अच्छा गाइस, गणपति के ना पंडाल भी लगे, तो गणपति जी आ रहे हैं अब 31st को आई थिंक है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्या क्या, मतलब अभी तो पंडाल्स पूरे लगे नहीं है लेकिन फेस्टिविटीज शुरू हो गई है। मतलब काफ़ी सारे शॉप्स आ गए हैं जहाँ से आप अपने गणपति को बुक करके आप घर पे जो लेकर आते हैं स्थापना करने के लिए। तो मैं दिखाता हूँ, काफ़ी अभी हम लोग थे नहीं ना तो पता ही नहीं चला। सडनली दुबई से आने के बाद देखा कि सारी सब मतलब आ गए हैं। अब मेरे ख्याल से 4-5 दिन ही है और गणेश चतुर्थी शुरू हो जाएगा। बिगेस्ट फेस्टिवल महाराष्ट्र का है, इंडिया का है पूरे। इनफैक्ट मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रिपरेशन हो रही है उसकी।
तो गाइस ड्राइव करते करते हम लोग पहुंच गए हैं लोखंड वाला के पीछे, और ये जो आप देख रहे हैं ये लोग गणपति जी का पंडाल है, जो आई थिंक 31st को यहाँ पे उनको स्थापित किया जाएगा। लोखंडवाला में भी अपना गणपति होता है, बहुत बड़ा गणपति होता है, बहुत क्राउड यहाँ पे पूरे बॉम्बे से देखने आता है। और ये पंडाल के बाजू में ही एक आर्ट है जहाँ पे गणपति, जहाँ पे लोग अपने बुक करते हैं, जाके देखते हैं। आपको जिस तरह का भी गणपति चाहिए आप यहाँ पे आके 2-3 दिन पहले से आके देख सकते हैं, बुक कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे होते हैं। और थोड़ा आगे अगर आप लोखंडवाला से बाहर जाएंगे तो ये मॉडल टाउन आरटीओ के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रेच है जिसपे सिर्फ बहुत अलग अलग तरह के आपको वहाँ पे गणेश जी मिल जाएंगे जो लोग यहाँ आके बुक करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ आप आके गणेश जी नहीं ले सकते हैं, बल्कि अपने घर पे अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो उसको डेकोरेट करने के भी बहुत सा सामान यहाँ पे मिलता है। और इको फ्रेंडली गणपति भी बहुत देखने मिल रहे हैं पिछले कई सालों से, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और लोग अक्सर ज़्यादा करके अपने घरों में इको फ्रेंडली गणपति ही लेकर जाते हैं। ब्यूटीफुल फेस्टिवल, पूरा बॉम्बे अब जाग उठेगा, रातों को भी धमाल होगी। क्वालिटी वॉल्स का चौको बार है। एंड वी आर बैक यस, चाय के साथ। रोज चाय पीना जरूरी, आज बहुत से लोग हैं चाय के मेंबर्स बहुत हैं। कोई तो पीता है चाय। अयान आप कुछ बोलना चाह रहे हो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को टैग करना, आप लोग को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बेल आइकन तो दबा दो, घंटा दबा दो। ओके गाइस प्लीज, अयान ने जो बोला कर लो यार, अयान के लिए तो कर लो प्लीज।